बच्चे चेक कराओ, बच्चे चेक कराओ पहले। छोटा है, कट कर बच्चे को। कोई गल नहीं, ठीक है बच्चों, घबरा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ है। हेलो, आराम से बात ही लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और हमारे पास भी 18 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से 3 लोगों को जो है हमने हॉस्पिटल एसोसिएटेड CMC रजौरी में मृत्यु घोषित किया और बाकी सभी का उपचार जो है वो अच्छे से चल रहा है। हमारे सभी स्पेशलिस्ट जो हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं, वो लगे हुए हैं और मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो इसमें 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, इसमें 2 माइनर बच्चे हैं। तो उसके लिए अभी हमारे CT स्कैन और एक्सरे या बाकी अल्ट्रासाउंड, ये सभी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट और जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम इन सभी जो इंजर्ड हैं इनको बचाने में जो है वो सफल होंगे और हमारा हॉस्पिटल एसोसिएटेड GMC रजौरी जो है पूरे तरीके से सक्षम है। और हमें मैसेज भी मिला था PCR की ओर से भी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी हमारे पास एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार रजौरी और ACR रजौरी जो है वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं इस एक्सीडेंट के मौके। डॉक्टर साहब, इस हादसे में जो ज़्यादा तशवीशनाक तरीके से जख्मी हैं, क्या उनको आगे मजीद इलाज के लिए जम्मू किया गया? देखिए, अभी हमारे डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि सबकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। पहले हम पेशेंट को जो है वो फर्स्ट एड देना ज़रूरी होता है। अगर हम हायर फैसिलिटी में रेफ़र भी करें तो वो हमारा फोकस इस पे रहता है कि कहीं पेशेंट जो है हम उसको रास्ते में लूज़ ना करें। ये सब चीज़ें देख करके जब सभी पेशेंट स्टेबल होंगे, अगर 2 बच्चे हैं हमारे पास जिनको हम न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन के लिए जो है वो जम्मू भेज सकते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी हमारे पास GMC रजौरी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि देखिए, रेफरल प्रोसेस में हम ये जल्दी नहीं करते हैं जब तक कि हम इंश्योर ना कर लें कि ये पेशेंट जो है वो इतना ट्रैवल करके वहाँ तक सेफली पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ों का हम पहले बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद ये निर्णय लेते हैं। जी जी सर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इंसानी जानों का मसला है, ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल ही रहा है, और ट्रैफिक पुलिस को तोड़ देना चाहिए और रेगुलर फोर्स को एम्पावर करना चाहिए कि ट्रैफिक कानून की जो है वो अमलदारी करे डिस्ट्रिक्ट पुलिस। और ये कहना, क्योंकि जितने भी हादसा होते हैं उसके बाद जो इंतजामिया वो हरकत में आती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, इंसानी जानें ज़ाया होगी। अब जो 3 आदमी मार गए, बाकी इतने इंजर्ड हैं, जो इंसान मार गए, इंसान की भरपाई क्या कर सकता है कोई? हमारा यही कहना है उनको मुआवजा मिले, ऐसी शिक्षा मिले।